Hello everyone, the next topic in Java programming tutorial is types of constructors. So, I have uh, explained you about the introduction of a constructor. If you haven't watched my previous video, please watch that video and then watch this video. So, I'll give you a brief introduction what is a constructor. So, constructor is a special type of method which its uh, purpose is to initialize the value at the time of object creation.

डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों बोल रही हूँ बिकॉज इसके पैरामीटर लिस्ट एम टी है सो so ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहां पर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन हुआ है और मैंने यहां पर एक छोटी सी एक स्टेटमेंट प्रिंट करी है हेलो दैट्स इट तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ और डिफाइन होकर बंद हो गया क्योंकि मेथड भी ऐसे ही होता है मेथड बनाते हैं और हम इसको ओपन करके क्लोज कर देते हैं बस जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता क्या? और अगर किसी कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर लिस्ट में कुछ नहीं है उसी को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं तो नीचे मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन आपने ये कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया होता तो भी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा ऑटोमेटिकली कॉल होता है ठीक है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो ये कॉल हो गया सैंपल मीन कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया यहाँ पर एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सैंपल ओबीजे इक्वल टू न्यू सैंपल इस क्लास को जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो क्या कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता तो आउटपुट में कुछ नहीं आता लेकिन हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में एक स्टेटमेंट प्रिंट किए तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कंपाइलर इसकी डेफिनेशन जो भी इसने लिखा होगा उसको एज इट इज एग्जीक्यूट कर देगा तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा हेलो सो so, ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सो यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस नेक्स्ट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस सिर्फ छोटा सा यही है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं कितने भी पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं ओके okay. नाउ इस क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ए ठीक है और यहां पर मैंने ये पैरामीटर पास किया इंट एक्स तो मैंने बोला ए इज इक्वल्स टू एक्स ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है क्लास का वेरिएबल है और ये मेरा कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है ठीक है आर्ग्यूमेंट जिसको बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट में एक पैरामीटर है एक्स और ये मेरा क्लास का वेरिएबल है तो मैं यहां तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है मेरे इस वाले वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करके दे रहा है जो जो कंस्ट्रक्टर का काम होता है इट इज यूज टू इनिशियलाइज वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो ये इनिशियलाइज कर रहा है मेरी इस इस वेरिएबल को लाइक दिस ठीक है तो और फिर उसी वैल्यू को ये प्रिंट भी करके देगा दोनों काम करेगा ठीक है तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या होगा क्लास टेस्ट बनाई मैंने पब्लिक स्टेटिक वर्ड मेन अब क्या होता है कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन बट वेन यू वॉन्ट टू कॉल दी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कि ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है तो हमें उसको डिलीवरेटली कॉल करना पड़ता है बाय पासिंग अ पैरामीटर ठीक है अगर मैं यहां पर पैरामीटर पास नहीं करूंगी तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा तो फिर बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए या नहीं बनाए वो कॉल होगा लेकिन अगर मुझे इस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो मुझे यहाँ पर पैरामीटर्स पास करना ही पड़ेगा और एक पैरामीटर पास किया है तो एक ही पैरामीटर मुझे यहाँ पे पास करना है ठीक है टाइप मैचिंग होनी चाहिए एक कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशन में मैंने अगर एक पैरामीटर पास किया तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ऑल्सो आई हेव टू पास वन पैरामीटर तो मेरे को यहां पर सेम इंटीजर पैरामीटर ही पास करना पड़ेगा तो मैंने यहां पर वैल्यू पास किया है टू तो जैसे constructor, constructor ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये टू वैल्यू किस में जाएगी सबसे पहले क्या होगा int a तो ए एक वेरिएबल होगा इसी तरह से int x x भी एक वेरिएबल होगा मेमोरी में तो जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा टू वैल्यू पास होगी x में तो x में क्या वैल्यू आ गई टू अब ये क्या है a इक्वल टू एक्स जब भी हम असाइनमेंट करते हैं a इक्वल टू एक्स एक्स असाइनमेंट कैसे होती है राइट टू लेफ्ट x के अंदर क्या वैल्यू है टू जो कि हम राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करते हैं तो x की जो वैल्यू है वो a में ट्रांसफर हो गई यानी कि a में भी वैल्यू आ गई टू तो हो गया ना इनिशियलाइज वैल्यू वैल्यू इनिशियलाइज़ करता है कंस्ट्रक्टर का काम ही यही है कंस्ट्रक्टर यूज टू कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन पर ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है हमेशा तो कंस्ट्रक्टर ने अपना काम कर दिया जो हमने करवाना था उससे x इक्वल ए इक्वल टू एक्स तो राइट टू लेफ्ट जाएगी x की वैल्यू ये इस तरह से टू यहां पर चली गई और एज इट इज ए की वैल्यू प्रिंट हो गई विच इज टू तो आउटपुट क्या आएगा टू आएगा आउटपुट आउटपुट में टू आएगा बिकॉज एक की स्टेटमेंट को हम प्रिंट कर रहे हैं क्लियर सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स क्लियर हो गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरी वन थैंक यू सो मच